स्वागत है आपका हमारे चैनल में ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े 15 झूठ जिन पर कभी भी विश्वास ना करें और जानें मेरे साथ क्या है सच। कैंसर के प्रति लोगों का जागरूक बनाने के उद्देश्य से 4 फरवरी को ब्लड कैंसर डे बनाया जाता है। भारतीय इसरो में ब्रेस्ट कैंसर की समस्या तेजी से बढ़ रही है, पर सही जानकारी के अभाव में इसे लेकर उनके बीच में कई तरह की भ्रामक धारणाएं प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों की सच्चाई। भारतीय स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जागरूकता के अभाव में ज्यादातर स्त्रियां में इस बीमारी की पहचान बहुत देर से होती है, जो उनके लिए जानलेवा साबित होती है। स्वस्थ जीवन शैली ब्रेस्ट कैंसर से बचाव में मददगार है। ये धारणा काफी हद तक सही है। वैसे तो इस बीमारी की कई वजहें हैं, लेकिन मेनोपॉज के बाद स्त्रियों के शरीर में फैट जमा हो जाता है, जिसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए खास तौर पर जिम्मेदार माना जाता है। अतः संतुलित खानपान, अल्कोहल और सिगरेट से परहेज, नियमित एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक जैसी स्वस्थ आदतें अपनाकर ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कुछ हद तक रोका जा सकता है। पर कई बार इन नियमों का पालन करने वाली स्त्रियों को भी ये बीमारी हो जाती है, इसलिए अगर कोई लक्षण नजर आए तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अंडरवायर या टाइट ब्रा पहनने से स्तन कैंसर होने का खतरा रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रा के डिजाइन या बनावट का कैंसर से कोई संबंध नहीं है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। अनुवांशिकता इसकी प्रमुख वजह है, सच्चाई क्या है वो जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित लगभग 10% स्त्रियां में खास तरह के जीवन को इसके लिए जिम्मेदार पाया गया है, जो कि एक परिवार के सदस्यों में इसे वंशानुगत ढंग से आगे की ओर फैल रहा है। हालांकि इस बीमारी से पीड़ित 75% स्त्रियों को फैमिली हिस्ट्री में इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं था। कहने का आशय ये है कि अगर किसी स्त्री के परिवार में पहले किसी को बीमारी रही है तो एहतियात के तौर पर 40 साल बाद उम्र के उसे मेमोग्राफी करा लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि अगर नानी या माँ या मौसी को बीमारी नहीं रही तो अगली पीढ़ी की बेटियों को भी इसका लक्षण नजर ना आए। शिशु को फीड ना कराने से ब्रेस्ट कैंसर की आशंका बढ़ जाती है, सच्चाई ये काफी हद तक सच है। उपचार के लिए आने वाली स्त्रियों के केस में हिस्ट्री के आंकड़ों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में वैसी स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है जिन्होंने किसी वजह से अपने नवजात शिशु को ब्रेस्ट फीड नहीं कराया था। इसकी प्रमुख वजह ये है कि शिशु को फीड न कराने पर मेमरी ग्लैंड से होने वाला सिक्रीशन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, जो बाद में कैंसर युक्त गांठ में तब्दील हो जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि फीड न कराने वाली हर स्त्री को ऐसी समस्या हो, फिर भी उनमें कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। ब्रेस्ट कंजर्शन सर्जरी द्वारा कैंसर प्रभावित हिस्से को हटाना भी पूर्णतः सुरक्षित है। इसके लिए पूरे ब्रेस्ट को रिमूव कराने की आवश्यकता नहीं। अगर कैंसर की गांठ ज्यादा बड़ी हो तो ऐसा करने की जरूरत पड़ सकती है। मेमोग्राफी टेस्ट से हानिकारक रेडिएशन निकलता है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब जानते हैं सच्चाई। ये सच है कि मेमोग्राफी के दौरान रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, लेकिन इसकी मात्रा काफी कम होती है, जिससे कैंसर की कोई आशंका कभी नहीं हो सकती। नियमित जांच और मेमोग्राफी स्तन कैंसर से बचाव में मददगार है। अब जानते हैं सच्चाई। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी से शुरुआती अवस्था में बीमारी की पहचान हो जाती है, तो उपचार की जटिल प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इससे स्तन कैंसर को विकसित होने से भी रोका जा सकता है। जाँच के बाद जिन स्त्रियों में इस बीमारी की आशंका पाई जाती है, उसके लिए खतरे को टालना असंभव है, सच्चाई ऐसा नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपना कर इसकी आशंका को कम किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर द्वारा फ्रोमो एलिटिक बायलेट मोस्टेकोमिस नामक उपचार की सलाह दी जा सकती है। ट्यूमर की बायोग्राफी या सर्जरी के बाद बीमारी ज्यादा तेजी से फैलती है, सच्चाई ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। लोगों को ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी गांठ में बायोप्सी लेने के बाद ये तेजी से विकसित होने पर आक्रामक ट्यूमर बन सकता है। इसी तरह अगर सर्जरी के दौरान ट्यूमर को पूरी तरह हटा दिया जाए तो बीमारी खत्म करने में मदद मिलती है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। हार्मोन रिलीज सेमेंट थेरेपी और गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से ब्रेस्ट कैंसर की आशंका बढ़ जाती है, सच्चाई। आजकल मोनोपॉज के बाद ज्यादातर स्त्रियां हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन की हेवी डोज दी जाती है और इसके साइड इफेक्ट की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। जहाँ तक गर्भ निरोधक गोलियों का सवाल है, तो पहले इनसे केवल एस्ट्रोजन हार्मोन होता था, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की आशंका बढ़ जाती थी, लेकिन अब ऐसी गोलियों में एस्ट्रोजन के साथ प्रोस्टोजोन का भी संतुलित मात्रा में इस्तेमाल होता है, इसलिए अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और वो सुरक्षित है। ये बीमारी केवल स्त्रियों को ही होती है, सच्चाई ये बात पूरी तरह सच नहीं है। पुरुषों में भी
ब्रेस्ट कैंसर की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि उनमें से मामले में काफी कम है, लेकिन उन्हें भी इस बीमारी की प्रति सजग रहना चाहिए। अगर निप्पल एरिया के आसपास गांठ या दर्द जैसा कोई लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैंने आपको पूरी चीजें बताई कि क्या झूठ और क्या चीजें फैल रही हैं और उसकी सच्चाई क्या है। तो ऐसे ही इनोवेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।